फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट मतलब वही आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो अभी तक हमने बनाए हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के साथ में बनाना है इसको। अब ये एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं ये मैं आपको आज डिटेल में पहले बता देता हूँ। वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, डिटेल में बता देता हूँ कि ये एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट की, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं, तो टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स जो हमें फाइनल अकाउंट के अंदर करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर एडजस्टमेंट के टाइप को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट जो है वो है एडजस्टमेंट या एक्सपेंसेस बेस्ड एडजस्टमेंट। एक्सपेंसेस बेस्ड एडजस्टमेंट्स, ऐसे एडजस्टमेंट जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, खर्चों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट्स। इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट। प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट, और लास्ट एंड फाइनल है अदर एडजस्टमेंट। कुछ और अदर के अंदर डाल दी कुछ बचे हुए एडजस्टमेंट्स को। तो एक तो ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो एक्सपेंसेस के ऊपर बेस्ड है पूरे के पूरे, वो बता दूंगा कौन कौन से अभी। एक ऐसे एडजस्टमेंट है जो इनकम के ऊपर बेस्ड है पूरे के पूरे, एक ऐसे एडजस्टमेंट है जो प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है पूरे के पूरे, और एक ऐसे हैं जो अदर एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं सबके नाम लिखा देता हूँ, फिर धीरे धीरे हम आने वाले लेक्चर्स में सारे एडजस्टमेंट्स को करेंगे, कुछ आज करा दूंगा मैं। एक्सपेंसेस बेस्ड एडजस्टमेंट में सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आता है वो आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपने नाम भी सुना होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकेंड नंबर आता है इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये क्या होते हैं, अगर पहले से आपको पता है थोड़ा बहुत वेरी गुड, नहीं पता है तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। डेप्रीशिएशन भी एक एक्सपेंस होता है, इसलिए डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फोर्थ नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी एक एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ओनर कैपिटल लगाता है ना उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट। नेक्स्ट सेल्स एंड इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट मैनेजरियल रेमुनरेशन, इसके भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। मैनेजरियल रेमुनरेशन। नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी एक्सपेंस बेस्ड एडजस्टमेंट होते हैं, इनकम नहीं एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंसेस ही होते हैं और इनके एडजस्टमेंट कैसे करने होते हैं, ये क्या होते हैं, वो डिटेल में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट। इसके अंदर एक आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, अक्रूड बोलो या आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे यहाँ होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। अनअर्न्ड इनकम भी होती है ये, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी इनकम होती है, आपको पता है ना, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं। जो ड्राइंग करी है ऑनर ने, नियोक्ता ने, एम्प्लॉयर ने, उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को। तो ये इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट हमको देखने हैं। फिर एडजस्टमेंट आते हैं कुछ प्रोविज़न बेस्ड एडजस्टमेंट्स। प्रोविज़न बेस्ड एडजस्टमेंट, प्रोविज़न बेस्ड एडजस्टमेंट के अंदर फर्स्ट आता है प्रोविज़न फॉर बैड्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये अभी तो मैं केवल नाम बता रहा हूँ, है ना, इनको हम डिटेल के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भी, तो वहाँ पर और डिटेल में बात करेंगे। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं, ये दो एडजस्टमेंट बताए, ये प्रोविज़न बेस्ड एडजस्टमेंट होता है। इसमें एक और भी होता है, वो होता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कुछ अदर में है, अदर में एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा हैं अदर में, तो जो बच्चे कुछ हैं जो इन तीनों में नहीं आते उन सबको अदर में डाल दिया। इसमें फर्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड नंबर आता है म्यूचुअल डेब्ट्स, थर्ड नंबर आता है यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स, अदर देन सेल, गुड का यूज कर ले, गुड्स का सेल करने के अलावा किसी और पर्पस के लिए, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब सेल कर दिया है, अगर सामने वाले को पसंद आएगा तो रखेगा वरना वापस लौटा देगा। और प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स। सिक्स नंबर implied interest, सेवंथ deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure, एट number rectification of error, of एरर। अब ये सारे एडजस्टमेंट जो हैं ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है जब आप आगे फर्दर एडवांस स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम जब एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर किसी भी चैप्टर के अंदर इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट कई बार आ जाता है, चाहे आप कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, चाहे आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, है ना, चाहे आप जॉइंट वेंचर पढ़ रहे हैं, कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रोविज़न आपको देखने को मिलता ही है। तो आगे सारे चैप्टर्स के अंदर ये प्रोविज़न आपके काम आते हैं, केवल इस चैप्टर में ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सारे प्रोविज़न अच्छे से आने चाहिए, इनका मतलब आना चाहिए, और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम चार एडजस्टमेंट करने वाले हैं जिसको समझने वाले हैं। एक हम समझने वाले हैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक समझने वाले हैं ये प्रीपेड एक्सपेंस, बाकी खर्चों वाले बाद में करेंगे। उसके साथ में हम समझने वाले हैं एक ये अक्रूड इनकम जिसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, और एक अनअर्न्ड इनकम। तो ये चार एडजस्टमेंट आज करने वाले हैं, इसमें दो एक्सपेंस वाले हैं, दो इनकम वाले हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप भेज दो जल्दी से। सबसे फर्स्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। साथ में हिंदी में भी लिखा देता हूँ आपको, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए, बकाया खर्चे। बहुत इजी है ये, हार्ड नहीं है। क्या है ये? दोज एक्सपेंसेस, those expenses विच इज, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखाऊंगा है ना, अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं लिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। दोज एक्सपेंसेज विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड है, बट नॉट पेड इन करंट ईयर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर के हैं, बट उसको करंट ईयर में हमने पेमेंट नहीं किया। मतलब कोई खर्चा तो हो गया लेकिन उसका पेमेंट हमने किया नहीं। जैसे हम जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उसका रेंट हम 12 महीने रह लिए, या उसमें से 12 महीने के रेंट में से हमने केवल 8 महीने का रेंट जो है वो पे कर दिया, लेकिन 4 महीने का रेंट अभी तक पे नहीं किया है लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को। तो 4 महीने का जो रेंट हमने पे नहीं किया है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन हमें पे तो करना है, हमने किसी वजह से पे नहीं किया है, तो हमारी वो क्या है, लायबिलिटी है। वो हमारी क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दो चीज़ें। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कभी हो जाए तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, फर्स्ट। और सेकेंड नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसकी एंट्री तो अपन बना लेंगे, लेकिन उसको दिखाना कहाँ है, फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाना है उसको। तो देखिए, सबसे पहले जनरल एंट्री पे आ जाते हैं। देखो इसकी जनरल एंट्री, फॉर एग्जांपल के लिए जो भी खर्चा है वो खर्चा तो डेबिट हो जाएगा। हाँ, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने आपको रेंट बोला तो रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट डेबिट क्यों होगा, रेंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बट उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, हमारे लिए लायबिलिटी होती है। आपको मॉडर्न रूल तो पता ही है ना, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए इधर। मॉडर्न रूल क्या बोलता है, एसेट एंड लायबिलिटी रूल। बैलेंस शीट आपको आती है तो एसेट लायबिलिटी के बारे में पता है। एसेट ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। एसेट में अगर वृद्धि हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो, एसेट में अगर कमी हो रही हो तो क्रेडिट करो। जो भी लायबिलिटीज होती है वो ऑलवेज क्रेडिट होती है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही हो तो और क्रेडिट करो, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो तो डेबिट करो। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है, करंट ईयर का है और आपको करना चाहिए था, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेंट हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। तो फाइनल अकाउंट में इसको कैसे दिखाते हैं, तो देखिए फाइनल अकाउंट के अंदर दो चीज़ें होती है हमारे पास में, एक पीएनएल। तो पीएनएल में कैसे दिखाएंगे, तो देखो ये पीएनएल अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और इसके नीचे मैं बना देता हूँ बैलेंस शीट। अब देखो यहाँ ये पीएनएल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, जो भी खर्चा होता है, हाँ, उसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि रेंट जो है वो 8 महीने का पे कर दिया तो वो यहाँ लिख देंगे, 4 महीने का जो पे नहीं किया वो ऐड कर देंगे उसके अंदर, ताकि 12 महीने का रेंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाए। क्यों, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उपार्जन आधार जिसको बोलते हैं, वो क्या बोलता है, चाहे खर्चा का पेमेंट किया हो या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो खर्चा जिस ईयर से रिलेटेड है उसमें दिखाना चाहिए। तो 8 महीने का रेंट ऊपर, 4 महीने का और हम ऐड कर देंगे, जो हमने पे नहीं किया तो 12 मंथ का रेंट यहाँ आ जाएगा, या जो भी सैलरी है, बोनस, जो भी आपका है खर्चा। तो आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस होता है वो पीएनएल में जाके उस एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड हो जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर जो है ये हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी महीने का, 4 मंथ का, तो 4 मंथ का जो भी है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके। इसके बाद में एक और खर्चा था, उस पर आ जाते, वो है प्रीपेड एक्सपेंस, यस, सेकेंड नंबर प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्वदत्त खर्चे। हिंदी में बोलते हैं पूर्वदत्त कर्जे। अब ये क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, ठीक है। बुक की लैंग्वेज में तो आप पढ़ ही सकते हैं, बुक में तो होगा ही। दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू अपकमिंग ईयर्स या रिलेटेड टू फ्यूचर, जो भविष्य से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। दोज एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, या फिर लिख सकते हैं दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर बट पेड इन करंट ईयर, बट उसका पेमेंट कहाँ कर दिया, करंट ईयर में। खर्चा भैया आगे का है, नेक्स्ट ईयर का है, बट उसका पेमेंट कहाँ कर दिया, करंट ईयर में कर दिया, तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है वो। रेंट एडवांस दे दिया 4-5 साल का, तो हम इस साल तो केवल इसी साल का रेंट लेंगे ना, जो एडवांस दिया है वो हमारे लिए एक तरह की एसेट हो गई कि हमने 4-5 साल का एडवांस दे रखा है। तो इसीलिए मैंने बोला ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है ये हमारे लिए एसेट होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है। अब इसकी एंट्री देखो, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जो भी खर्चा है एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं तो देखना, तो आपको ये एंट्री समझ में आ जाएगी। हमने फाइनल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसको लेस कर देना है, इसलिए मैंने एक्सपेंसेस को यहाँ क्रेडिट किया है पीएनएल अकाउंट के अंदर, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसको दिखा देना है। देखो कैसे, ये पीएनएल अकाउंट, यहाँ डेबिट, ये क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट में आते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी एक्सपेंस है वो, लेकिन ये एक्सपेंसेस जो है इसमें वो भी खर्चा जुड़ा हुआ है जो फ्यूचर ईयर का है, तो उसको हटाओ, लेस करो, क्योंकि वो फ्यूचर ईयर से रिलेटेड खर्चा करंट ईयर में नहीं लिखा जाता, तो लेस कर देंगे। जो भी फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो प्रीपेड एक्सपेंस हम यहाँ से हटा देंगे। और ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए जो क्या है, एसेट है, क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट कर रखा है, तो इसको एसेट साइड में दिखा देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताओ जी, आया समझ में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पीएनएल में ऐड होता है, प्रीपेड एक्सपेंस पीएनएल में लेस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में दिखाया जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स में दिखाया जाता है। एक बार भेजो थम्स अप। नेक्स्ट हम चलते हैं अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम पर। अब ये दो एक्सपेंसेस हो गए, दो इनकम का मैंने बोला था वो करा देता हूं। इसमें आता है अक्रूड इनकम, या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं उपार्जित आय या फिर बकाया आय। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जो करंट ईयर का है लेकिन उसका पेमेंट करंट ईयर में नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या हो जाएगा, वो इनकम जो करंट ईयर की है बट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई, खर्चे का पेमेंट नहीं किया लेकिन इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई। Those income which is related to current year या due in current year ऐसा भी लिख सकते हैं। related to current year मतलब due हो गई है but not received in current year। ऐसी income जो current year में हमने कमा ली है, अर्न कर ली है, अर्न इन करंट ईयर बट नॉट रिसीव। हमने इनकम कमा ली है लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है, तो ये हमारे लिए एसेट है। आपने कहीं काम करके कुछ पैसा कमा लिया लेकिन सामने वाले ने आपको दिया नहीं, तो आपके लिए क्या है, एसेट। सामने वाले के लिए लायबिलिटी हो सकती है, आपके लिए तो एसेट है, हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। और एसेट ऑलवेज क्या होती है, डेबिट, इसलिए हम अक्रूड इनकम को कर देंगे डेबिट, और इनकम खुद हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। यानी कि हमको पीएनएल में जाके जो भी इनकम है उसके अंदर अक्रूड इनकम को ऐड कर देना है। अब फाइनल अकाउंट में इसको कैसे शो करते हैं, तो देखिए ये तो एंट्री हो गई, ये मान लेते हैं पीएनएल अकाउंट और ये है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में ये एसेट्स, ये ये लायबिलिटी, ये एसेट्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिखाई इनकम हमेशा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आती है ना, हाँ, तो यहां पर टोटल इनकम ले लेंगे जो अभी तक रिसीव हो गई है, उसमें ऐड कर देंगे वो इनकम जो अभी तक रिसीव नहीं हुई, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम, उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, फिर बाहर लिखें। और ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम जो है हमारे लिए एसेट है, क्योंकि पैसा कमा लिया है मिला नहीं, तो एसेट साइड में लिखेंगे अक्रूड या जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम। लास्ट एंड फाइनल अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं। अनअर्न्ड इनकम और एडवांस इनकम भी बोलते हैं। अनुपार्जित आय अग्रिम आय, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्न इन करंट ईयर, ऐसी इनकम जो एडवांस में मिल गई हमने अभी तक कमाई नहीं है, फ्यूचर में कमाएंगे उसको, लेकिन पहले से एडवांस में पैसा मिल गया, ये तो लायबिलिटी है ना, क्योंकि अभी कमाना बाकी है, सामने वाला जो भी हमें पैसे दे रहा है उसका काम करना बाकी है। तो इनकम रिसीव्ड हो गई बट अभी तक ड्यू नहीं हुई है, यानी कि उसको अभी तक हमने अर्न नहीं किया है, उसको कमाया नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा, क्रेडिट। तो यहाँ हम लिख देंगे अनअर्न्ड इनकम और इनकम को क्रेडिट कर देंगे, ताकि इनकम हमारी जो हमने क्रेडिट करी है पहले से वो कम हो जाए। इसको फाइनल अकाउंट में कैसे शो करते हैं, तो देखिए पीएनएल बैलेंस शीट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट, इधर एसेट्स। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम है तो इधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे इनकम, जो भी इनकम है उसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर की नहीं है, अर्न इनकम करंट ईयर की नहीं है, हटाओ, ओके। और ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमें एडवांस में पैसा मिला है, तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो फाइनली आज हमने ये जो बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग है उसका फाइनल चैप्टर है, ये हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है।